बारिश से राजधानी के धान खरीदी केंद्रों का बुरा हाल हो गया है। मिट्टी गीला होने के कारण समितियों में धान की खरीदी बंद कर दी गई है। समितियों में पानी भरने के कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पहले से खरीदे गए धान को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिससे धान गीला नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार रायपुर के दतरिंगा, भाठागांव, बोरिया, टाटीवन और सेज बाहर स्थित मंडियों में जमीन गीली होने के कारण तोलाई बंद कर दी गई है। सहकारी समितियों में भारी अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। दो सालों से जमीन के पक्कीकरण की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। धान खरीदी 15 फरवरी तक ही होना है। मौसम ठीक होने के बाद ही जमीन के सूखने की संभावना है। जिस हिसाब से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस हिसाब से अगर जमीन की पक्की की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। मौके से जायजा लिया सहयोगी हेमंत शर्मा ने। खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश का अधिकारी पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले एक दिन से हुई बारिश के चलते राजधानी रायपुर के अंदर मौजूद सभी धान खरीदियों में जो धान खरीदी है वो अब बंद हो गई है। इसका कारण जो यहाँ पर जमीन है वो गीला हो गया है और इसी के कारण यहाँ पर जो धान खरीदी है, जो तौलाई का काम है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर समिति के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या लग रहा है, कब तक जो धान खरीदी है वो शुरू हो पाएगी? अभी क्या स्थिति, अभी बंद हो गया है क्या धान खरीदी? अभी तो खैर बंद हो गया है, पानी के मौसम के कारण पानी वानी भर गया है। यहाँ पे तौल वॉल खरीदने में दिक्कत हो रही है और धान खरीदी तो ऐसे 3-4 रोज बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और अपने यहाँ का जो टोकन है वो ज्यादा नहीं बचा है, 200-300 क्विंटल बस बचा है। एक ही दिन में ऐसे टोकन कट जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ का खरीदी समाप्त हो जाएगा। जब तक सूखी नहीं तब तक यहाँ गाड़ी आ नहीं सके, हाँ ना माल नहीं आ सके। एकड़ से आप मतलब क्या परेशानी हुआ थे? परेशानी का है, गीला है सब। फल बनाना चाहिए है, छपरी बनाना चाहिए है, व्यवस्था रहे के भी बनाना चाहिए। धान खरीदे आगे पानी मार कहाँ बैठेगा, इसके लिए छाया होना चाहिए है, जो व्यवस्था नहीं है। तो जो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके पूरे जिम्मेदार जो यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार पाया जाता है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हिमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और राज्य के 28